3% हीमोग्लोबिन है। डॉक्टर ने इनको रात भर से रेफर किया कन्नौज से, रात भर से बाहर बिठा रखा और ये गार्ड मार रहे हम लोगों को। हे गाइस प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को। एम्बा अस्पताल में मार रहे हैं हमारे को, रात भर से क्या रात भर से बैठा हूँ मैं, और उसका 3% हीमोग्लोबिन है, 3% हीमोग्लोबिन है, चौकी को नहीं बुलाओ, 3% हीमोग्लोबिन है। डॉक्टर ने इनको रात भर से रेफर किया कन्नौज से, रात भर से बाहर बिठा रखा और ये गार्ड मार रहे हम लोगों को, ये गार्ड मार रहे, इनको शांति रखो, ये मरीज देखो ना मेरी हालत कैसी मरीज की। उसने आते से मेरे को मारा, उसने मेरे को मारना चालू करा, वहाँ दबा दिया गला। भैया क्या बात है, पुलिस ऐसी सही हो रहा है, डॉक्टर है क्या, डॉक्टर है क्या, एक मिनट रुक जाओ, डॉक्टर ने उबरे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तू भले पुलिस वाले का मेरे भाई को आदिवासी आदमी भाई को तो हाथ भी नहीं उठा सकता, तू मेरे को डरा रहा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ध्यान रख, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान, आदिवासी आदमी को तू इलाज करवा लो, बाद में कर लेना। रात भर होगा, कुछ भी हम रात भर से मरीज को लेके आए थे कन्नौज से, इनका 3 ग्राम हीमोग्लोबिन बताया था, 3 ग्राम ब्लड बताया था इनके शरीर में, इनको एडमिट भी नहीं किया गया और सब गार्ड ने मारा भी है सब परिजनों को और पेशेंट को। और अब हम इस सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा रहे हैं, हमने इनको बताया था कि हम गांव से आए हैं, दूर से आए हैं, 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, इसके बाद भी इन्होंने हमारा इलाज नहीं कराया और अब हम यहाँ कराना भी नहीं चाहते। ये इंदौर का MYH अस्पताल, MYH अस्पताल है इंदौर का। मैं परेशान हूँ, रात भर से ये मेरा पेशेंट है जिसको हम यहाँ पर इलाज कराने के लिए लाए हैं 100 किलोमीटर दूर से, डॉक्टर ने ये बताया है कि 3 ग्राम इनके अंदर ब्लड बचा है बस, और हम इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। अब हम MYH छोड़ के भी यहाँ से जाना चाह रहे हैं तो हमको जाने भी नहीं दिया जा रहा, हम यहाँ पर ऑटो में बैठे हैं कि हम कहीं और प्राइवेट जगह पर जाके इलाज करा लें, हमको प्राइवेट जगह पर भी इलाज कराने जाने नहीं दिया जा रहा, हमको धमकी दी जा रही थाने की कोर्ट कचहरी की, आदिवासी आदमी हो गया, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिस जो हमने पुलिस वालों को ही बता रहे पर मानने को तैयार नहीं है कोई भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते, तो भी हमसे ये रोक रहे हैं, हमसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं, हमको डरा रहे हैं। अरे भाई तो जिसमें तो पुलिस भी हो गई और मेडिकल प्रशासन भी हो गया, MYH का पूरा CMO जिनसे मैं अभी हाल मिल के आ रहा हूँ, और उनके गार्ड जिन्होंने हमको मारा है, सब देखिए आप ऑनलाइन सब देखिए, उनकी FIR करवाओ ना किसने मारा है। हे गाइस प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को।